हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन मस्ट बी गोइंग वेल आल्सो। सो इन दिस वीडियो वी विल गोना कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ स्कॉलियोडॉन। ओके, दैट मींस वी विल कवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरियोजेनाइटल सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन एंड हाउ कैन वी फॉरगेट क्लासिफिकेशन। वी विल ऑल्सो डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ स्कॉलियोडॉन। सो वॉट यू हैव टू डू, प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड इट विल हेल्प यू। I promise it will help you in your objective question paper as well as in your subjective question paper. Okay, so watch the video till the end and don't skip any part of the video. Okay, so let's move on the video. Okay, so first of all, what is scolodon? Scolodon is a fish. Okay, and the another name of scolodon is dogfish. Okay, so पहले हम लोग इसका classification करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग फाइलम देखेंगे, डैट मीन्स फाइलम इज कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा का मीन्स क्या हुआ कि इसमें नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होगा, मीन्स नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होंगे, पैरिनियल गिल स्लिट पाए जाएंगे एंड डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड्स पाए जाएंगे। ओके, सब फाइलम इसका होगा वर्टिब्रेटा, डिवीजन होगा गैनेथोस्टोमेटा, क्लास होगा कॉन्डोक्थीस एंड ऑर्डर होगा प्लूरियोस्टोमेटा एंड जीनस होगा स्कॉलियोडॉन। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्लास कॉन्ड्रोइक्थीस देखी है और आप लोग जानते हो कि कॉन्ड्रोइक्थीस की जो क्लास होती है, डैट मीन्स कि उसमें जितने भी फिश होंगे वो कार्टिलेज होंगे, ठीक है, मीन्स कि उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होंगे, बोन नहीं प्रेजेंट होंगे। सो स्कॉलियोडॉन कैसी फिश है? कार्टिलेजिनस फिश है। ओके, और अगर हम लोग बात करें टोटल स्पीसीज की, हम लोगों के जो स्कॉलियोडॉन है उसकी अगर टोटल स्पीसीज की बात करें तो वो होती है 9 स्पीसीज, लेकिन हमारे इंडिया में, हमारे प्यारे इंडिया में जो स्पीसीज पाई जाती हैं वो होती हैं 4 स्पीसीज, ठीक है। तो आउट ऑफ 9 स्पीसीज ओनली 4 स्पीसीज आर प्रेजेंट इन आवर इंडिया। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द हैबिट एंड हैबिटेट। तो जो स्कॉलियोडॉन का हैबिट एंड हैबिटेट होता है वो होता है मैराइन, मीन्स कि वो मैराइन पानी में रहती हैं, इश्यूरीज में रहती हैं, रिवर में रहती हैं एंड ये कार्निवोरस प्रीडेशियर होती हैं, ठीक है। कार्निवोरस मतलब आप जानते हो, प्रीडेशियर मतलब भी जानते हो। फेवरेट फूड की बात करें तो वो होता है क्रैब, लॉबस्टर्स एंड वॉर्म। ओके, हम लोग स्कॉलियोडॉन की बॉडी की बात करें तो इसकी बॉडी डिफ्रेंशिएट होती है हेड, ट्रंक एंड टेल में। हेड जो होता है वो डॉर्सो वेंट्रली कॉम्प्रेस्ड होता है, ट्रंक जो होता है वो लार्जेस्ट होता है एंड टेल जो होता है वो हेट्रो सर्कल होता है। नाउ आप लोग पूछोगे कि आपने हेट्रो सर्कल तो नहीं बताया, बस बोल दिया हेट्रो सर्कल होता है, तो मैं बताती हूँ, थोड़ा इंतज़ार करो। देखो, जब आप लोग मीन्स आप लोग कई सारी फिश देखे होंगे जिसमें जो टेल्स होती हैं उनमें जो अपर होता है फिन और जो लोअर फिन होता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, डैट मीन्स कि ये होमो सर्कल है, लेकिन जब यही टेल के जो फिन है ना वो अलग अलग मीन्स अलग अलग शेप के हो जाएंगे तो उन्हें हम लोग कहेंगे हेट्रो सर्कल। तो स्कॉलियोडॉन में जो टेल होता है वो होता है हेट्रो सर्कल। अगर हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात करें तो पेयर्ड फिन, तो आप लोग हमेशा याद रखना कि जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन होती है वही बस पेयर्ड होते हैं हमारे स्कॉलियोडॉन में और सभी के सभी अनपेयर्ड होंगे। ओके, नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज क्लोइकल अपर्चर। तो क्लोइकल अपर्चर कहाँ पाए जाएंगे? पेल्विक फिन के पास पाया जाएगा और वो एक ही होगा, ठीक है। और स्कॉलियोडॉन में एक लेटरल लाइन पाई जाएगी जो कि एक सेंसरी ऑर्गन होती है। सेवेंथ पॉइंट इज क्लैस्पर्स। तो क्लैस्पर्स किस लिए यूज आते हैं? क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेल में, फीमेल में नहीं प्रेजेंट होंगे और ये कॉपुलेटरी ऑर्गन होते हैं, मीन्स फॉर द रिप्रोडक्शन होगा इसका यूज। ओके, एयर्थ इज की प्लैकवाइड स्केल्स पाई जाएंगी इनके स्किन पे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो टिथ होता है ना उसका आउटग्रोथ किस फॉर्म में हो जाता है, मॉडिफाइड किस फॉर्म में हो जाता है, तो वो हो जाता है प्लैकवाइड स्केल में। ओके, प्लैकवाइड स्केल किस तरीके का होता है? जैसे आप लोग वो देखते हो ना रोम्बिक, मीन्स कि आप ऐसे देखो ना कि एक त्रिशूल लाइक स्ट्रक्चर है और उसमें जो ऊपर के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हो गए रोम्बिक टाइप में, तो वैसा कुछ प्लैकवाइड स्केल का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये वीवी पैरस होते हैं। वीवी पैरी आप लोग जानते हो क्या होता है? वीवी पैरी मीन्स कि ये यंग वंस को जन्म देते हैं, ये किसी अंडे को नहीं देते हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत आती है कि आप ओवी पैरस एंड वीवी पैरस में हमेशा कन्फ्यूज होते हो, तो एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। देखो, ओवी पैरस मीन्स कि ओ जो है वो कैसा दिखता है आप बताओ? अंडा तरह दिखता है ना, मीन्स अंडे की तरह दिखता है ना वो। तो ओवी पैरस हमेशा ही अंडे देंगे और वीवी पैरस हमेशा ही जो यंग वंस होंगे मीन्स वो डायरेक्ट बेबी देंगे, वहाँ कोई अंडे की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ओ मीन्स की अंडा और अंडा देने वाले एनिमल को हम लोग ओवी पैरस कहेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये।
इफकोलियोडोंट के जो टीथ होंगे वो होंगे होमोडोंट एंड पॉलीफाइकोडोंट. ओके, फाइकोडोंट मींस सॉरी फाइकोडोंट नहीं, पॉलीफाइकोडोंट. ओके, लीवर जो होगा वो येलो होगा, बाइलोब्ड होगा. जो गॉल ब्लैडर होगा वो वी शेप्ड होगा. पैनक्रियाज जो होगा वो कंप्रेस्ड होगा, व्हाइट कलर का भी हो सकता है, येलो का भी हो सकता है, एंड दिस इज ऑल्सो बाइलोब्ड. अब इनकी जो आँखें होती हैं, इनकी जो प्यारी प्यारी आँखें होती हैं, वो कवर होती है निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन से. और निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन कैसी होती है, मूवेबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो कि हमेशा ज़्यादातर पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं ना उनमें पाई जाती हैं ये निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन. और जो हर्ट होता है वो फोर चैम्बर्ड होता है, एस शेप का होता है, और इरिथ्रोसाइट्स इन स्कॉलियोडॉन ओवल शेप. ठीक है, तो जो इरिथ्रोसाइट क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इरिथ्रोसाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा कॉमन नेम जैसे WBC है या फिर RBC है या प्लेटिलेट है, तो क्या है इरिथ्रोसाइट. तो जो भी इरिथ्रोसाइट होता है ना वो ओवल न्यूक्लिएटेड होता है, मीन्स कि ओवल शेप का होता है और न्यूक्लिएटेड होता है, डैट मीन्स कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. ठीक है, अब इसके हर्ट को हम लोग वीनस हर्ट कहते हैं. क्या कहते हैं, वीनस हर्ट, बिकॉज कि ये डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड ही कैरी आउट करता है. अगर हम लोग क्रैनियल नर्व की बात करें तो इनमें 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व. जो किडनी होता है वो होता है ऑफिस्टोनेफ्रिक. कैसा होता है, ऑफिस्टोनेफ्रिक होता है. फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल होगा. इसमें स्क्रॉल वॉल्व एंड स्क्रॉल वॉल जिसे हम लोग कहते हैं वो पाया जाता है. आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि स्क्रॉल वॉल्व क्या होता है, स्पाइरल वॉल्व क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आप सीधा सा टिक मार के आना कि स्पॉलोडॉन. अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है, एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजी. ठीक है, तो लॉरेंजिनी जो होता है ना, एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी, सबसे पहले तो आप जान लो कि वो थर्मोरिसेप्टर होता है. तो एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी जो होता है वो हेड एंड स्नाउट जो होते हैं स्कॉलियोडॉन के उस पे पाए जाते हैं. ओके, और ये क्या करते हैं, थर्मोरिसेप्टर. थर्मो मीन्स कि गर्मी, गर्म, लाइट. ओके, तो उस चीज़ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी होते हैं. नाउ ये हो गया पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन. अब हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए मैं आपको बताऊंगी कि मैंने एक वीडियो अपलोड की है पहले, बहुत पहले, स्कॉलोडॉन के ऊपर, जिसमें मैंने आपको उसमें रेस्पिरेशन बताया था स्कॉलोडॉन का. बहुत ही इजी, मतलब इजी तरीके से वहाँ पर मैंने आपको बताया था. तो प्लीज़ मैं यहाँ पर आपको मुश्किल से 4-5 पॉइंट बता दूंगी रेस्पिरेटरी सिस्टम के. बट आई सजेस्ट कि प्लीज़ आप जाओ और उस वीडियो को गो थ्रू हो, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ बताया है. और सब्जेक्टिव पेपर के लिए प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखना. ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक है, इतना आप पढ़ सकते हो. ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें अगर स्कॉलोडॉन का, तो स्कॉलोडॉन में 5 पेयर्स ऑफ गिल पाउचेस पाए जाते हैं, जिनमें जो क्या करते हैं, कंटेन 5 पेयर्स ऑफ गिल क्लेफ्ट बिहाइंड द हायोड आर्क. ठीक है, जिसमें गिल क्लेफ्ट भी पाए जाते हैं. जो ईच गिल स्लिट होती है वो 2 हाफ गिल्स. ठीक है, 2 हाफ गिल्स में मतलब कि प्रेजेंट होती है. और जो स्कॉलोडॉन होता है वो 4 कंप्लीट गिल्स. ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, 5 पेयर्स ऑफ गिल पाउचेस पाई जा रही हैं. ठीक है, तो आउट ऑफ 5 जो 4 होती हैं उन्हें हम लोग होलोब्रैंक कहते हैं, डैट मीन्स कि कंप्लीट. ठीक है, डैट मीन्स कि गिल्स प्लस म्यूकस मेम्ब्रेन जो होगा वो हो जाएगा होलोब्रैंक, जिसमें से जो है कि 4 है. ठीक है, और जो 1 हाफ जो गिल होगा, मीन्स 1 जो होगा, उसे हम लोग डेमीब्रैंक या हेमीब्रैंक कहेंगे. ओके, ये सब कुछ मैंने रेस्पिरेशन वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, तो प्लीज आप उसे जाकर के जरूर देख लेना. अवे फ्रॉम द फेरिंग्स आर्क स्पाइन लाइक गिल आर ओरिजिनेटेड टुवर्ड इनवर्ड ऑफ द प्रिवेंट फूड पार्टिकल फ्रॉम गोइंग इनटू इंटरनल पोर्स. देखो, फेरिंग्स के अवे, ठीक है, फेरिंग्स आर के अवे मीन्स कि दूर स्पाइन लाइक गिल्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं, ये बात का ध्यान रखती हैं कि कहीं सांस लेने के लेने वाली जो प्रोसेस हो रही है उसमें कहीं कोई भी फूड पार्टिकल ना चला जाए और उससे स्कॉलियोडॉन की बॉडी पे कोई असर ना हो. जैसे कि अगर हम लोग खाना खाते हैं और सांस लेते हैं कभी कभार, तो जो हमारा लैरिंग्स और फेरिंग्स, आप जान रहे हो, अगर कभी खाना अटक जाता है तो हमें सांस लेने में कितनी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो उस चीज़ का ध्यान कौन रखता है, स्कॉलोडॉन में स्पाइंस लाइक गिल प्रेजेंट होती हैं फेरिंग्स के थोड़ी सी दूरी पे, वो इस बात का ध्यान रखती हैं कि सांस लेते वक्त कोई भी खाना स्कॉलोडॉन के गले में फंस ना जाए. ओके, सो उस वजह से जो रेस्पिरेशन होता है वो इजली हो जाता है. अब प्लीज़ आप जाकर के वो रेस्पिरेशन वाली वीडियो जरूर देख लेना. नाउ मूव ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्कॉलोडॉन. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले माउथ. तो माउथ क्या होता है, वाइड क्रिसेंट्रिक ग्रूव ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ हेड. तो सबसे पहले माउथ कहाँ प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड पे. किसके वेंट्रल साइड पे, हेड के वेंट्रल साइड पे. और ये बहुत ही वाइड होता है, चौड़ा होता है, क्रिसेंट्रिक ग्रूव होता है. ठीक है, सेकंड इज बकल कैविटी. तो बकल कैविटी कंटेन थिक म्यूकस मेम्ब्रेन एज प्रोटेक्टिव लेयर. तो बकल कैविटी के पास एक थिक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है बकल कैविटी को. और मेम्ब्रेन फॉर्म टंग बाय फोल्डिंग इटसेल्फ. और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, अभी मैंने बताया ना थिक म्यूकस मेम्ब्रेन, वो अपने आप को फोल्ड करके
एक टंग का भी रूप ले लेती है, ठीक है। द टंग इज फ्लैट, टंग कैसा होता है, फ्लैट होता है, नॉन मस्कुलर होता है, नॉन ग्लैंडुलर होता है, नॉन प्रोट्रूसिबल होता है, और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, फूड को स्वॉलो करने में, ठीक है। बहुत सारी छोटी छोटी अगर फिश मिल गई, सॉरी बहुत सारे छोटे छोटे क्रैब मिल गए, तो वो उन्हें क्या करेगा, स्वॉलो करेगा, ठीक है। स्वॉलो करने में टंग क्या करता है, हेल्प करता है। टिथ जो होता है वो डू नॉट मैस्टिकेट द फूड, जैसे हम लोगों में फूड हम लोग मैस्टिकेट करते हैं ना, वैसे ही टिथ जो होगा यहाँ पर मैस्टिकेट नहीं करेगा, नहीं करेगा, ओके। एंड जो स्टमक है वो जे शेप का होता है, वाइड होता है, स्टमक में कार्डियक स्टमक प्रेजेंट होता है, पाइलोरिक प्रेजेंट होता है। आप लोग को पता है कि कार्डियक, पाइलोरिक एंड फंडस मतलब हमारा है, हम लोगों का स्टमक डिफ्रेंशिएट होता है, बट यहाँ पर कार्डियक एंड पाइलोरिक ही प्रेजेंट है। कार्डियक जो होता है वो लार्ज होता है, पाइलोरिक स्मॉल होता है, और ओपन इन अ थिक वॉल चैम्बर बर्षा इंटेस्टाइना और ड्यूडोनम शैक जिसे हम लोग कहते हैं। तो स्टमक कहाँ खुलता है, बर्षा इंटेस्टाइना में, ठीक है। ईसोफेगस जो होता है वो सेपरेटेड होता है सेमिल्यूनल वॉल्व से, मतलब कि ईसोफेगर और स्टमक को कौन कौन सेपरेट करता है, सेमिल्यूनल। इंटेस्टाइन जो होता है, द इंटरनल म्यूकस लेयर क्रिएट अ लॉन्ग स्ट्रक्चर बाय फोल्डिंग इनवर्ड विच इज नन एज स्क्रॉल वॉल्व। अब स्क्रॉल वॉल्व क्या होता है, तो इंटेस्टाइन में इंटरनल जो म्यूकस लेयर होती है वो बहुत ही लंबी एक स्ट्रक्चर होती है, और वो अपने आप को बहुत बार अंदर की तरफ फोल्ड की हुई होती है, उसी फोल्ड स्ट्रक्चर को हम लोग स्क्रॉल वॉल्व कहेंगे। अगर हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन इसका देखें, डैट मीन्स टीएस देखें, तो इट लुक्स लाइक टू एंड हाफ टाइम्स क्लॉक वाइज, मतलब कि आप देखोगे कि ये क्लॉक वाइज में जो स्ट्रक्चर है वो क्लॉक वाइज स्ट्रक्चर है, ओके। और ये किसके तरह दिखेगा, रिजेंबल एज अ स्प्रिंग, जैसे आप स्प्रिंग देखते हो ना, वो पेन आपका होता है जिसमें से आप स्प्रिंग निकाल के खेलते हो, वो वैसा दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। नाउ इसमें एक मरमेड पर्स प्रेजेंट होता है कॉल्ड एग केस विच प्रोटेक्ट द एग इन डेवलपिंग शार्क, टफ लेदरी पाउच। मरमेड पर्स क्या होता है, टफ लेदरी पाउच होता है जिसमें एग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को सेफ रखता है और एग फूटता नहीं है, जिसकी वजह से जो आने वाले जो बच्चे होते हैं वो हार्म नहीं होते हैं और अच्छे से एग का मीन्स डेवलपिंग एग जो होते हैं उनका प्रोटेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो मरमेड पर्स किस लिए यूज आता है, टू प्रोटेक्ट। कोयका जो होता है वो ओपन किस में होता है, यूरिन पोर, रिप्रोडक्टिव ओपनिंग, अपेयर ऑफ एब्डोमिनल ओपनिंग, ओके। क्लोएका क्या है, तो यूरिन पोर के लिए भी एज अ यूज आता है ये, और रिप्रोडक्टिव जो ओपनिंग होती है अपेयर ऑफ एब्डोमिनल ओपनिंग, वहां पर भी क्लोएका का यूज आता है। लीवर, द राइट लोब ऑफ लीवर कंटेन वी शेप्ड गॉल ब्लैडर और सिक्रीट बाइल एंड स्टोर ग्लाइकोजन ऑफ फैट, डिस्ट्रॉय डेड आरबीसी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो लीवर का राइट लोब होगा वो वी शेप्ड का गॉल ब्लैडर कंटेन करेगा। अगर हम लोग बकल कैविटी की बात करें, मींस मैं इधर उधर करके थोड़ा बहुत बता रही हूँ आपको, ये पूरा सीरीज वाइज नहीं है, आप लोग सीरीज वाइज तो जानती हो ना कि आप कैसे कैसे क्या क्या आता है, तो मैंने जैसे लिखा है हैंड रिटन मेरे नोट्स हैं तो मैं वैसे ही आपको बता दे रही हूँ। बकल कैविटी क्या होता है, डू नॉट कंटेन एनी सलाइवरी ग्लैंड, प्लीज इसको नोट कर लेना। अगर आपसे कोई पूछे कि स्कॉलियोडॉन के बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड होता है, तो नहीं, सलाइवरी ग्लैंड नहीं होता है। ईसोफेगस में कोई भी म्यूकस ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होती। स्क्रॉल वॉल्व क्या होता है, प्रोवाइड एक्स्ट्रा सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन। स्कॉलियोडॉन कांट डाइजेस्ट काइटीन, स्कॉलियोडॉन काइटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। स्क्रॉल वॉल्व क्या करता है, एक एक्स्ट्रा सर्फेस प्रोवाइड करता है, जितना भी फूड मटेरियल होता है, जो भी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, उन सभी के लिए स्क्रॉल वॉल्व जो होता है वो एक एक्स्ट्रा सर्फेस प्रोवाइड करता है। नाउ हम लोग बात करेंगे हार्ट ऑफ द स्कॉलियोडॉन, हर्ट हृदय दिल, ठीक है, उसकी बात करेंगे हम लोग कि स्कॉलियोडॉन में हर्ट कैसा होता है। तो हर्ट ओनली सर्कुलेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैंने पहले ही बताया था कि इसमें बस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही सर्कुलेट होता है, इसीलिए हम लोग इसे वीनस हर्ट कहते हैं। द ब्लड इज पम्प्ड टू गिल फॉर एयरेशन और गैशियस, जो ब्लड होता है वो गिल्स में पम्प किया जाता है एयरेशन और गैशियस एक्सचेंज के लिए, और इसीलिए हम लोग इसे ब्रैंकियल हर्ट भी कहते हैं। हर्ट इज फोर चैम्बर्ड एंड एस शेप्ड, इसमें हर्ट फोर चैम्बर्ड होता है और एस शेप्ड का पाया जाता है। और जो फोर चैम्बर्ड है वो क्या क्या है, तो साइनस, वेनस, ऑरिकल, वेंट्रिकल एंड कोनस आर्ट्रीशियस जो होता है चैम्बर, इसको मिला के फोर चैम्बर हो गए। ओनली टू ऑरिकल एंड वेंट्रिकल आर थ्री चैम्बर्ड, दैट्स वाई दे कंटेनिंग टू चैम्बर्ड हर्ट। देखो यहाँ पर दो ऑरिकल प्रेजेंट होते हैं और थ्री चैम्बर्स के जो वेंट्रिकल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम लोग इन्हें टू चैम्बर्ड हर्ट कहते हैं, ओके। साइनस आर्ट्रियल अपर्चर जो होता है वो क्या करता है, प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्कॉलियोडॉन में बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को कौन प्रिवेंट करता है, तो साइनस आर्ट्रियल अपर्चर। ऑरिक्युलर वेंट्रिकुलर अपर्चर क्या करता है, प्रिवेंट रिवर्स फ्लो ऑफ। प्लीज डू नॉट कन्फ्यूज
साइनस आर्टरियल एपर्चर बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करता है और ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर एपर्चर रिवर्स फ्लो को, ब्लड का जो रिवर्स फ्लो होता है उसे प्रिवेंट करता है। ओके, मैं इतना स्लो स्लो इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। वेंट्रिकल क्या होता है? तो हाईली मस्कुलर पार्ट होता है जो कि पूरे के पूरे बॉडी ऑर्गन में ब्लड को पहुँचाता है। कोनस आर्टिशेस क्या होता है? एक हार्ड मस्कुलर ट्यूब होता है, वहाँ पर वो जाकर के खुल जाता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हर्ट ऑफ द स्कॉलोडोन। आपको क्या याद रखना है कि स्कॉलोडोन का जो हर्ट होता है वो वीनस हर्ट होता है। प्रिवेंट रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड को कौन प्रिवेंट करता है, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को कौन प्रिवेंट करता है, ये सब कुछ आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो प्लीज़ आप इसे तैयार कर लेना। और सब्जेक्टिव में तो आप इज एम आर द जोड़ करके बहुत सारा लैबोरेशन लिख सकते हो। ओके, सो ये आपके लिए, मतलब दोनों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ये वीडियो, तो देख लेना पूरा वीडियो लास्ट तक। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्कॉलोडोन का, दैट इज फीमेल यूरोजेनाइटल सिस्टम। स्कॉलोडोन के पास 2 किडनी होती है, मैंने अभी आपको बताया कि कौन सी किडनी थी, किडनी क्या था, ऑफिस्टोनेफ्रिक। ओके, द इपिगोनल ऑर्गन आर फाउंड इन बिटवीन ओवरी एंड रेक्टल ग्लैंड। एक इपिगोनल ऑर्गन पाया जाता है ओवरी एंड रेक्टल ग्लैंड के बीच में। जो फर्टिलाइजेशन होता है एग का वो किसके किसके बिटवीन होता है, ऑस्टिमम एंड शेल ग्लैंड के बीच में फर्टिलाइजेशन ऑफ एग होता है। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, मीन्स लार्ज होता है, हाईली डेवलप्ड होता है, और इसीलिए हम लोग इसे रियल किडनी कहते हैं। ओके, न्यूरोमोस्ट स्टिमुलेटेड बाई स्लो वाइब्रेशन ऑफ द वाटर इन्वायरमेंट एंड आर नन एज रियो रिसेप्टर और करंट रिसेप्टर। जो न्यूरोमास्ट जो होता है ना, मीन्स नर्व की जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा स्टिमुलेट होती हैं, जब वाटर का जो आसपास के वाटर इन्वायरमेंट में जब स्लो वाइब्रेशन होता है ना, तो उसके उस वजह से जो नर्वल का जो भी नर्वस सिस्टम जो होता है वहाँ पर जो काम चल रहा होता है, तो वो किसके द्वारा हो रहा है, वाटर इन्वायरमेंट के द्वारा, इसीलिए हम लोग उसे कहते हैं रियो रिसेप्टर, डेट इज़ करंट रिसेप्टर। ठीक है, इन स्कॉलोडोन नो एक्सटर्नल और मिडिल ईयर प्रेजेंट। कोई भी मिडिल और एक्सटर्नल ईयर स्कॉलोडोन में नहीं प्रेजेंट होती है। इंटरनल ईयर प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, और उसका फंक्शन होता है स्टैटिक करने का और एकाउस्टिक करने का। ठीक है, एकाउस्टिक एक बहुत ही टेक्निकल टर्म है, मॉडर्न टर्म है, बट आप ये मान लो कि साउंड ऊंड जो भी है वो सब कुछ ईयर से आती है, और इंटरनल ईयर ही प्रेजेंट होता है, कोई एक्सटर्नल और मिडिल ईयर नहीं प्रेजेंट होता है। ओके गाइज, सो दिस इज ऑल अबाउट द टू डेज वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट। एंड प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियो आप देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो दिस इज़ नॉट फेयर, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, और कौन सा ऑर्गेनिज्म आप पढ़ना चाहते हो मेरे से, किसकी वन शॉट चाहते हो, या फिर कौन सा टर्म समझना चाहते हो, या किस पर ट्रिक जानना चाहते हो, वो सब कुछ आप मुझे ज़रूर बताना। एंड जितने भी मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं ना बीच बीच में, उसका आंसर जरूर बताना, मैं भी तो देखूँ आप लोग पढ़ते भी हो या नहीं पढ़ते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।